सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने तस्वीरें पेश करने जा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि सुबह से लेकर अब तक हुआ क्या क्या है। फिलहाल ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं और ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। अब मिनी सचिवालय के बाहर का जो नजारा है वो ये है कि यहां काफी संख्या में किसान डटे हुए, खड़े हुए, बैठे भी हुए और हम एक एक करके तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि आप देख सके कि क्या हुआ है। करनाल में महाविरोध, तस्वीर नंबर एक, ये सुबह की तस्वीर। अनाज मंडी में किसानों का हुजूम देखने को मिला और कुछ इस तरीके से धीरे धीरे किसानों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है और उसके बाद प्रशासन की धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगी और दिक्कतें बढ़ी तो उसके बाद का नतीजा भी आपने देख लिया था। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाते हुए किसान नेता नजर आए थे। खबरें अभी तक आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा है सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ था। यह दूसरी तस्वीर आप देखिए जब राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव पहुंचे और गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे थे, उसके बाद भी काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने अपनी तैयारियों को और ज्यादा मुकम्मल कर लिया था क्योंकि चिंताएं बढ़ चुकी थी। अब आगे कैसे किसानों को कंट्रोल किया जा सके किसी को मालूम नहीं था कि वाकई में क्या जिला सचिवालय के बाहर बैठ जाएंगे यहां पर किसान नेता, जो अब की तस्वीर भी सामने आई है उस तस्वीर से रूबरू करवाएंगे। तीसरी तस्वीर अब आप देखने जाएंगे, तीसरी तस्वीर आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ है। अधिकारी का विरोध हुआ, किसानों में जोश दिखा। ये नगर निगम के कमिश्नर साहब जो कि बहुत अच्छी स्माइल लेकर आगे बढ़ते दिखाई दिए, इन्हें पता है यहां से मुस्कान लेकर जाना ही बेहतर है क्योंकि यहां पर गुस्सा है किसानों के बीच थे नगर निगम के कमिश्नर मनोज कुमार और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और बातचीत करने की कोशिश भी करते हुए, लेकिन महिला किसान कह रहे कि गलत किया गया है और प्रशासन ने गलत किया और इसलिए हम यहां पर धरने पर बैठे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरह से मुस्कान लिए आगे बढ़ते ये अधिकारी साहब नजर आए हैं। अगली तस्वीर की बात करेंगे, चौथी तस्वीर की बात भी कर लेते हैं आपके सामने। ये चौथी तस्वीर है, बातचीत हुई लेकिन नतीजा जीरो। जी हां, यहां पर किसान नेता गाड़ी में बैठकर आते हैं और अंदर जाते हैं जिला सचिवालय। अब जिला मिनी सचिवालय के भीतर जाते हुए तस्वीर आप देख लीजिए, यह तस्वीर भी खास है। बातचीत करने के लिए पहुंचे राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव प्रतिक्रिया दी कि करेंगे बात, देखते हैं क्या होता है। नतीजा सबके सामने आ चुका था, जीरो है क्योंकि यहां पर देखिए सभी किसान नेता है और जो प्रशासन है उस पर आरोप लगाया गया कि सरकार से आपने बातचीत की है, राकेश टिकैत ने कहा था, लेकिन बार बार जाते थे बातचीत करके वापस आते थे और हमें कहा गया कि मांगे आपकी मानने लायक नहीं है, जायज नहीं है, इसलिए यह वार्ता जीरो रही, विफल रही नतीजा, इसलिए हम कह रहे हैं कि जीरो था। पांचवी तस्वीर आपके सामने अब आने वाली है और यह पांचवी तस्वीर है, बातचीत विफल उसके बाद यह शुरू हुआ पैदल मार्च। यह थी वो तस्वीर जिसने सभी का ध्यान खींचा है। यह महाविरोध इसलिए हुआ, यह तस्वीर बहुत अहम हो जाती है करनाल जैसे जिले में जहां पर पहले से ही इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया और यहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, यहां पर नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया गया, यहां पर डायवर्ट रूट कर दिया गया, यहां पर जो लोग दिल्ली से अमृतसर या चंडीगढ़ जा रहे थे उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा। सवाल वही पूछा जा रहा था इस भीड़ से भी, इन किसान नेताओं से भी, प्रशासन से भी, सरकार से भी, कि जो आम लोग रोजाना का अपना काम करते हैं, आज मंगलवार का दिन और उस दिन भी अगर इस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो इसका जिम्मेदार कौन है, यह भी लोग सवाल पूछते नजर आए। लेकिन सवालों का क्या, सवालों के कई बार जवाब भी नहीं दिए जाते। अगली तस्वीर की बात करें तो आपके सामने छठी तस्वीर यह है, जिला सचिवालय की ओर बढ़ते किसान दिखाई दिए। ये बहुत ज्यादा तस्वीर चिंता में डालने वाली थी प्रशासन को क्योंकि डीसी साहब की नजर बनी हुई थी, एसपी साहब की नजर बनी हुई थी, पानीपत के एसपी भी आ गए, बाकी जिलों के एसपीओ की नजर बनी हुई थी, डीएसपी यहां पर थे, पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर थी, बाकी जो सुरक्षाकर्मी है वो यहां पर थे, पुलिस के सारे मुलाजिम लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर प्रदर्शनकारी किसान दिखाई दे रहे होंगे। एक एक करके गिन लीजिए, आपको कहीं क्या पुलिस वाला दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तस्वीर में, क्योंकि जो इंतजाम थे वो ध्वस्त हो गए थे, इंतजाम फेल हो गए थे कुछ देर के लिए। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे ताकि आप समझ जाए कि इन तस्वीरों के मायने क्या निकलकर सामने आए। आइए सातवीं तस्वीर की बात भी कर लेते हैं आपके सामने, अब सातवीं तस्वीर आएगी, महाविरोध की तस्वीर है ये, और देखिए सातवीं तस्वीर में क्या होगा। ये कहा गया जो होगा देखा जाएगा, राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई। राकेश टिकैत ने कह दिया कि जो होगा देखा जाएगा, अगर यहां पर आगे कुछ भी होता है तो देखा जाएगा,
क्योंकि राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया था कि अब आगे क्या करने वाले, क्या रणनीति है। ये तो पहले से ऐलान किया गया था कि जिला सचिवालय जो है करनाल का उसको घेरा जाएगा, ऐसा हो भी चुका है। लेकिन यहां पर ये जो किसान आगे बढ़ रहे थे, ये कहां जा रहे हैं, क्या किसी को जिला सचिवालय मालूम था, नहीं मालूम था, क्या इनको सबको संदेश पहुंचा था, नहीं पहुंचा था, कुछ भी मालूम नहीं था, इन सवालों का जवाब एक ही था, जो होगा देखा जाएगा। आज की आठवीं तस्वीर देख लीजिए आप, आठवीं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा है खबरें अभी तक। ये तस्वीर भी काफी खास हो गई क्योंकि यहां पर रोड जाम कर दिया गया, नेशनल हाईवे 44 जिसे आप जीटी रोड कहते हैं वो जाम कर दिया गया, और रोड जाम हुए तो करनाल ब्लॉक हो गया। करनाल ब्लॉक हुआ तो उसके बाद टेंशन और बढ़ गए, प्रशासन के सामने एक ही बड़ा सवाल था कि अब करें तो क्या करें, लाठी चार्ज करें, क्या वोटर कैनन का इस्तेमाल करें, यहां पर क्या तीतर बितर भीड़ को किया जाए। लेकिन तस्वीर देखिए, इस भीड़ को क्या अलग थलग किया जा सकता था, क्या यहां पर कोई रिस्क लिया जा सकता था। आज एक बात कहनी होगी, करनाल प्रशासन ने समझदारी दिखाई है और यहां पर सिचुएशन को समझा है, उसके बाद ही बड़े बड़े निर्णय लिए या नहीं लिए यह अलग सवाल हो सकता है, इसके पर अलग से बहस हो सकती है। लेकिन यहां पर एक बात तो देखने वाली थी कि यहां पर काफी संख्या में किसान इकट्ठा हुए तो एक प्रेशर बन गया था जिला प्रशासन पर, पुलिस पर, उसके बाद की तस्वीरें सामने आई कि रोड जाम हो गया और साथ ही करनाल ब्लॉक हो गया। अगली तस्वीर, नौवीं तस्वीर आपके सामने अब आएगी, और उस तस्वीर में आप यह देखिएगा कि किस तरीके से यहां पर आगे बढ़ते नमस्ते चौक से नजर आए प्रदर्शनकारी। नमस्ते चौक पर इंतजाम फेल हो गए थे, यहां पर बैरिकेड लगाई गई रोकने के लिए किसानों को, क्योंकि देखिए पानीपत की तरफ से आ रहे थे, पानीपत की तरफ से जो किसान आ रहे थे वो भी एंट्री करना चाहते थे करनाल में, और नमस्ते चौक की तरफ से जिला मिनी सचिवालय की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहां पर सारे सरकारी दफ्तर है करनाल जिले के मिनी सचिवालय में, यहां पर धरना देने का प्लान पहले से बनाया हुआ था, योजना पहले से बनी हुई थी। अब ऐसे में यहां नमस्ते चौक से आगे बढ़ा गया, यहां लगा कि इंतजाम फेल हो गए। दसवीं खबर और दसवीं तस्वीर देखिए महाविरोध की, यह अंतिम दसवीं तस्वीर में क्या हुआ, यहां पर देखिए पानीपत पुलिस, करनाल की बात हो रही है, पानीपत पुलिस के बैरिकेड आप देखिए कहां कहां से बैरिकेड उठाकर लाए गए, और देखा गया कि यहां पर किसानों को रोका जाएगा लेकिन हुआ नहीं, यहां पर बैरिकेड तोड़े गए, बंदोबस्त ध्वस्त हो गए। यहां लगा कि अब करनाल पुलिस के हाथ से बात निकल गई, पानीपत पुलिस के हाथ से बात निकल गई।